इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आप कब हंसते हैं? आप कब हंसते हैं विष्णु जी? आप कब हंसते हैं? भगवान दो बार हंसते हैं, जब कोई रोगी मरने वाला हो, डॉक्टर कहता है कि आप चिंता न करो हम हैं ना, तो भगवान हंसते हैं। ये जा रहा है ये कह रहे हम हैं ना, अरे भाई अपना तो भरोसा नहीं। सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं है। अरे भगवान हंसते हैं जब कोई आदमी दूसरे का सही है, दूसरे का मान लिया अपना। अरे प्रभु हंसते हैं, साधक कहता है भगवान रे झेल रिझावेला कवन दोनवा, ओ भगवान रे झेल रिझावेला कवन दोनवा, हे कवन गुनवा से हो कवन गुनवा से, हे कवन हे राघवरी झेल रिझावेला कवन गुनवा से, राघवरी झेल बड़ा बड़ा तमाशा भइल, बड़ा बड़ा तमाशा भइल, बानर भालू के उल्टा कपड़ा के बानर भालू के उल्टा के हंस ठठा के भगवान कवन गुनवा से हो कवन गुनवा से, हा कवन गुनवा से हो कवन गुनवा से, भगवन रिझावेला कवन गुनवा, भगवन रिझावेला रिझावेला भक्त भगवान की सेवा कर कर भगवान से कुछ न मांगे तो भगवान हंसते। देखिए आप कब हंसते हैं, प्रसन्न होते हैं जब आपसे कोई कुछ मांगे न, और जैसे ही किसी ने मांगा तो आपका चेहरा उतर जाएगा। आप समय का विचार नहीं करते हो, जब मिलता हूं मांगते हो मांगते हो मांगते हो, जब मिलते हैं मांगे। आप जिससे कुछ मांगेंगे उसका पारा चढ़ेगा, चेहरा बदलेगा, अटपटा हो जाएगा। अरे यार समय को समय का भी विचार नहीं करते हो हैं हैं हैं, जिससे आप नहीं मांगेंगे वो प्रसन्न रहेगा। हाँ बस अब मैं चर्चा ये नहीं करूंगा कौन कब प्रसन्न रहता है, मेरा इस पर बड़ा शोध है। मैं आज भाई जी विद्यार्थियों को कह रहा था कि देखो कथा के चार प्रकार हैं। एक प्रकार में किसने किससे क्या कहा, दूसरा क्यों कहा, तीसरा कब कहा, चौथा और जो कहा वो सब मिला के क्या कैसे किस प्रकार कहा, और उसके बाद मेरी कथा है कि उन्होंने तो तब कहा, प्रेम भूषण ने अब क्या कहा।
इसीलिए तो फीस है ना, नहीं तो वो कहे ये कहे तो हमको बुलाएगा कौन? ठीक है, तो इसमें मैंने कहा बेटे 3 साल लग जाएगा। किसने कहा? किससे कहा? क्यों कहा? कब कहा? और इनको मिलाकर मैं क्या कह रहा हूं, यही समझने की बात। आप इसीलिए आते हैं ना कि प्रेम भूषण बोलेगा तो कुछ तो समझ में आएगा। और ये राम कथा पीने की कथा नहीं है, ये जीने की कथा है। मैं अपनी ठाकुर की राम कथा अपने बेडरूम से प्रारंभ करता हूं। मेरे घर से चलती है राम कथा, व्यास गादी तक आती है, और जितने मेरे सखा लोग हैं सब जीते हैं, जीते हैं, जागते हैं, तभी इसका आनंद रस पाते हैं, नहीं तो नहीं हो। केवल भगवान से कहते हैं क्या? कछु नहीं, कछु नहीं चाहिए। भगवान बोले कोई बात नहीं, जब आपको कुछ नहीं चाहिए तो मेरे लिए बहुत उत्तम है, इसलिए भगवान ने लीला कर दिया। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कह रुजे ही तब नावन जाई, सोई कह रुजे ही तब नावन जाई, बेगी आज्ञा हो गई। गंगा जी की मति में भ्रम हुआ और भगवान के वचन को सुनकर मति भ्रम समाप्त भी हो गया। केवट जी राज आज्ञा मानकर पानी कठौता हाथ में, कठौता में जल भर कर लाए, भगवान के सन्मुख रख दिया। ना नाव दौड़ा कर लाए, दौड़ा कर कहां से? केवट जी नाव को 3 लट्ठा अंदर गंगा जी में खड़ी किए थे। लिखा पड़ी तो नहीं है, लिखा पड़ी नहीं है, ये सिखा पड़ी है। घाट पर नाव होती तो राम जी भले कहते लाओ बताओ पूछो बैठो, लेकिन लक्ष्मण भैया जाते बड़े विचित्र स्वभाव के हैं, जाते नौवा में बैठ जाते, कहते आवा भैया आवा माई, चला भाई। लक्ष्मण जी बुलाने देते क्या? केवट जी ने इतना बुलाया, बाबा जी ने कितने कवित्त लिखे, कवितावली जी में दर्शन करिएगा कभी। ये देखिए केवट जी नाव वहां रखे थे, अंदर ला, अंदर से बाहर लाए, घाट पर आकर दंडवत किए, बोले प्रभु आपकी आज्ञा हो। तो लड़कन बच्चन का भी घर से बुला हुए, कोई भी सत्कर्म अकेले नहीं करना चाहिए, यदि गृहस्थ है तो, विरक्त है तब तो कृपय है, गृहस्थ हैं तो सपत्नीक धर्म करना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य है, देव दर्शन भी अकेले नहीं करना चाहिए, व्यवस्था है। प्रभु रूख पाई के बुलाई, बालक घरनी बंद के चरण चहु दिसी बैठे, घेरी घेरी
छोटो सो कठौता भरियान पानी गंगा जी को धोई पाए पियत पुनीत बारी फेरी फे। बार बार पीते, एक बार नहीं, धो लेते हैं पी लेते हैं, धो लेते हैं पी लेते हैं। मेरे को तो भगवान कहते राघव चरण जले जा तो आज केवट पखारे छोटे कठौता में आनी गंगा जल जलपान करी आप सहित पितर उपार कर प्रभु मुदित गयो गंगा जी के उस पार जाने पर माँ उतरी प्रभु उतरे निषाद जी तब लक्ष्मण भैया केवट जी ने उतर कर भगवान को दंडवत किया केवट उतरी दंडवत की ना भगवान को संकोच हुआ इसको कुछ दिया ही नहीं उठाए नहीं प्रभु माँ ने मणि मुद्रिका उतारी भगवान बोले ले ही उतराई केवट जी चरण में गिर पड़े हो नाथ आज मैं मिटे दोष नेत्र में दोष होता दुख मन में होता है दरिद्रता स्वभाव में होती है आदमी न होने से दरिद्र नहीं होता है होकर न होने जैसी भासे वो आदमी दरिद्र है देखिए खरखर आप खरखर समझते हैं ना खरखर आदमी किसी को भोजन कराएगा तो एक ही बार परसने में पेट भर जाएगा जब दरिद्र आदमी भोजन कराएगा दो रोटी लेके पूछेगा और चावल भी खाएंगे अरे दो रोटी खाएंगे 20 रोटी खाते तो उसको ये होता है कि तो बेरी वाली भी खा जाएगा दोबारा नहीं जो आदमी स्वभाव का दरिद्र हो उसके पानी पिलाने से प्यास नहीं जाती केवट जी ने कहा प्रभु आपकी कृपा बरसी मिटे दोष दुख दारिद्र दावा ताप समाप्त हो गया इसलिए अब कछु नाथ न चाहिए दीन दयाल अनुग्रह भगवान ब्रह्मा ने भर दिया ठाकुर वचन दे जाई क्या फिरते बार मोहि जो दे सो प्रसाद में शिर आप वापस जब आए इसी मार्ग से तो मुझे जो मिलेगी प्रसादी सरकार स्वीकार करेंगे देखो ये मर्यादा है कोई घर से बाहर जा रहा हो तो उसे लेना नहीं चाहिए लौट के आवे तभी लेना चाहिए जाते को देकर भेजना चाहिए आते समय ले लो मांग लो निकाल लो जो करना है कर लो ये मर्यादा है केवट भैया को भगवान ने अरे भगवान ने भी भैया ने भी माँ ने भी बहुत के प्रभु लख नसीह नहीं कछु केवट
तब विदा केन करुणा भगति विमल। तब भगवान ने विमल भक्ति प्रदान की है, परमात्मा अति प्रसन्न है केवट जी के भाग्य पर, स्वभाव पर, गंगा मैया की मनवती मानी है सीता मैया ने आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवान आगे बढ़े, तीर्थराज प्रयाग में प्रवेश हुआ। श्रीमुख से प्रभु ने तीर्थराज की प्रशंसा की, एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए प्रयागराज महाराज की। प्रभु भरद्वाज जी के आश्रम पर वास करते हैं और रात्रि विश्राम में दिव्य सत्संग हुआ है। फिर अगले दिन भरद्वाज जी महाराज को प्रणाम करके भगवान यहाँ से निकलेंगे। आगे की कथा हम लोग कल अयोध्या कांड की करेंगे। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।